नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। रणवीर को सुहानी ने कह दी ऐसी बात कि पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया रणवीर, तो वहीं पर सुहानी भी ये बोलकर बहुत रोती नजर आई। वेल, आप सब तो देख ही रहे हैं कि जो सुहानी है वो रणवीर के पास जाना चाहती है, लेकिन रणवीर जो है वो सुहानी को अवॉइड कर रहा है। हालांकि सुहानी के बारे में अभी रणवीर को नहीं पता है। अब ये बात जैसे ही पता चलेगी कि अंश से सुहानी का रिश्ता टूट चुका है, वो फटाफट से सुहानी के पास जाने की कोशिश करेगा और उसे मनाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर आपको बताते हैं कि क्या हुआ है। आप सबने देखा है कि किस तरीके से जो सुहानी होती है वो रणवीर से बात कर रही होती है और वो सोच रही होती है कि रणवीर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा, लेकिन काफ़ी गुस्से में वो नज़र आता है। यहाँ पर रणवीर के पापा आ जाते हैं और रणवीर के पापा जो है वो सुहानी को काफ़ी उल्टा सीधा बोलते हैं और यहाँ रणवीर को बहुत गुस्सा आता है और रणवीर जो है वो कुछ इस तरीके से रिएक्ट करता है अपने पापा पर, जिसे देखकर सुहानी बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। तो वहीं पर ममता बहुत नाराज़ होती है, ममता यानी कि रणवीर की मॉम बहुत नाराज़ होती है रणवीर पर और कहती है कि ये सारी हरकतें तुम बंद कर दो और ये तुम्हारे पापा के अलावा मेरे हस्बैंड भी हैं। और ये सुनकर बुरा लगता है रणवीर को। रणवीर जो होता है वो सुहानी से सॉरी बोलता है, वो कहता है कि सॉरी जो कुछ भी इन्होंने किया, जिसके बाद सुहानी को रणवीर कहता है सॉरी। तो सुहानी कहती है कि सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी किराएदार को सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, और कहती है कि वैसे भी हमारा रिश्ता है ही क्या, मैं तुम्हारी किराएदार ही तो हूँ, सिर्फ एक किराएदार का ही तो रिश्ता है। और ये बोलकर बहुत रोती है। आप देख सकते हैं कि सुहानी कितनी ज़्यादा टूट चुकी है। वेल, सुहानी जो है वो पूरी तरीके से रणवीर के पास जाना चाहती है, लेकिन रणवीर जो है वो पूरी तरीके से सुहानी को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है ये तो आप आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि सुहानी को काफ़ी उल्टा सीधा भी बोल चुका है, बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेवियर करता नज़र आया था। जब सुहानी जो है वो दौड़ कर आई थी रणवीर के पास उसे सब कुछ बताने के लिए, तो उस वक्त जो रणवीर होता है वो उससे बहुत ही अजीब तरीके से पेश आता है, क्योंकि सुहानी जो है वो यही पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था, जिसके बाद रणवीर बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि कुछ नहीं है, वो तो सब पुरानी बातें हैं, उस चीज़ को भूल जाओ और दोबारा ये बातें मत करना। जिसके बाद सुहानी फिर से पूछती है और फिर बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है रणवीर सुहानी पर, और फिर यहाँ पर सुहानी शॉक्ड हो जाती है। और फिर इधर विक्रांत आ जाता है और विक्रांत जो है वो सुहानी को उल्टा सीधा बोलता है, और तभी रणवीर विक्रांत को भी काफ़ी उल्टा सीधा बोलता है और सुहानी को सॉरी बोलता है, जिसके बाद सुहानी ये बोलकर रो पड़ती है। फिलहाल काफ़ी अच्छा ट्रैक चल रहा है इस वक्त। इस वीडियो में बस इतना ही।